गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर में देखो, हमें पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट ये सीख लिया था। आज हम करेंगे इसमें वेक्टर आके स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा भाई? स्केलर प्रोडक्ट ये होगा, यदि दो वेक्टर के आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक स्केलर ही आए, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, एक होता स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो तरह के प्रोडक्ट है भी, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर। तो आज के जो एक्सरसाइज हो केवल स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट मान लिया ए वेक्टर है, कोई वेक्टर दे रखे हो, एक बी वेक्टर है, तो इसका निकालेंगे तो ए डॉट बी निकालें, ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो इन दो प्रोडक्ट वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक स्केलर मिलेगा, तो इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखें क्वेश्चन करेंगे तो तब समझ में आ जाएगा भी किस तरह निकालेंगे। अब उसके बाद उसमें कुछ है भाई, एंगल का है, उनके बीच का एंगल क्या होगा? तो ए डॉट बी वेक्टर होता है वो होगा मोड ए मोड बी वेक्टर और कोस थीटा। इनके बीच में एंगल क्या होगा? कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? एंगल पूछा दो वेक्टर के बीच के एंगल बताओ, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर और मोड बी वेक्टर। ये कोस थीटा यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा भी। वो ए डॉट बी एक क्या आएगा? फिक्स क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। मोड ए इसका मैग्नीट्यूड, बी भी बी का मैग्नीट्यूड, तो इसका हमें एंगल पता चलेगा कितने का एंगल है दोनों के बीच में। यदि यहां थीटा इक्वल टू 90 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? 90 का मतलब 0 आ जाए तो इसका मतलब ये क्या होंगे? दोनों ए और बी है वो क्या होंगे? दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। कोस 90 की वैल्यू 0 इक्वल टू ए डॉट बी डॉट अपॉन मोड ए वेक्टर डॉट ये मोड बी वेक्टर, और इसको इधर करेंगे 0 हो जाएगा, यानी ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यदि आपका किसी भी दो वेक्टर की मल्टीप्लाई 0 आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए परपेंडिकुलर टू बी, या तो ए 0 होगा तभी 0 आता है, या तो ए 0 हो या बी 0, या फिर दोनों क्या हो कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा? जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो ये है इसका परपेंडिकुलर। क्वेश्चन देखो इसके फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, स्केलर प्रोडक्ट इफ ए इक्वल टू, ये हमारे पास वेक्टर भी ए वेक्टर दे रखे है टू आई, ये यूनिट वेक्टर भी आई जे के अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस माइनस जे वेक्टर प्लस फाइव के वेक्टर, और बी वेक्टर है वो गिवन है माइनस आई प्लस जे और प्लस टू के वेक्टर। तो ए डॉट बी फाइंड आउट करना, ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा? तो इनकी मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा भी? ए की आई वाले से जे की जे वाले से और के की के वाले से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा, देखो टू आई माइनस जे प्लस फाइव के, डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा? माइनस आई प्लस जे प्लस टू के। आई की आई के साथ करेंगे तो टू आएगा माइनस टू, जे की जे के साथ किया तो क्या आ जाएगा? माइनस का वन, और फाइव की फाइव करेंगे तो टेन, ये आ जाएगा माइनस थ्री प्लस टेन यानी सेवन आंसर आ जाएगा। ए डॉट बी क्या आएगा? सेवन यूनिट। अच्छा दूसरा ये देखो, जो प्रोडक्ट की है वो हमें ये नहीं किया, देखो आई की आई के साथ कर दिया, जे की जे के साथ कर दिया, के की के के साथ किया। जब भी हम पहले ऐसे तो नहीं करते, पहले तो क्या है टू आई की सभी के साथ करते थे, फिर जे की सभी के साथ करो,
फिर 5 kg सभी की यही फॉर्मूला यूज करते आए यहां तक। देखो इसका क्या 2i की पहले इसके साथ किया 2i और इनटू में माइनस आई, तो ये हमें पता ही है, तो यूनिट वेक्टर यानी 2 - 2i स्क्वायर हो गया और i क्या है यूनिट वेक्टर, तो इसका स्क्वायर लें या इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो तो 1 के इक्वल ही आएगा हमेशा, तो -2 आएगा। लेकिन इसके साथ देखो हम ये लिखते हैं a डॉट b वेक्टर इक्वल टू मोड a मोड b cos थीटा, ये होता है। अच्छा i और i के बीच में i तो अलोंग x एक्सिस है और i इसके अलोंग है, तो i और i के बीच में तो एंगल जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, कोस जीरो यानी 1 हो गया, तो ये तो 1 हो जाएगा, a डॉट b आएगा, a डॉट b का मतलब ये आ जाएगा, i और i का मतलब करेंगे और यहां पर लिखेंगे कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई कर -2। इसी तरह r 2i की j के साथ करेंगे तो 2i * j और cos 90 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस और j है y एक्सिस के अलोंग, बीच का एंगल कितने का 90, तो i और j के बीच में एंगल क्या होगा cos 90 और cos 90 क्या होता है 0, इसलिए सारा 0 हो जाएगा। इसलिए i का 2k के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा i * 2k और cos 90 और i और z के जो k था उसके बीच में भी एंगल क्या होगा 90, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए i और 2k भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम आई आई वाले का लिखा है क्योंकि हमें पता है कि आई और जे के साथ आई और के साथ तो जीरो होना है, इसी तरह जे का आई के साथ और जे का के साथ भी जीरो होगा, के का आई और जे के दो के साथ जीरो होगा, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा फॉर्मूला है आई और आई वालों की मल्टीप्लाई प्लस में जे और जे वालों की मल्टीप्लाई प्लस में के और के वालों की मल्टीप्लाई, तो ये आप क्या आ जाएगा इसका स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं भी इस तरह के, नेक्स्ट है भी इफ ए इक्वल टू 3i, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर है i माइनस 3k और सी वेक्टर है आई प्लस 2j, हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर, तो इसका मीन क्या हुआ अभी पहले ए और बी का ऐड करके सी से उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो फाइनल में तो हमें क्या आएगा ये ए प्लस बी करेंगे एक वेक्टर आएगा और डॉट सी के साथ करेंगे तो वेक्टर मल्टीप्लाई में वेक्टर है क्या जाएगा स्केलर, तो पहले a प्लस बी निकालेंगे, पहले निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो a वेक्टर हमारा कितना है 3i माइनस j प्लस 2k प्लस b वेक्टर है i माइनस 3k, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3i और i 4i माइनस j प्लस 2k माइनस 3k तो माइनस k, ये वेक्टर होगा a प्लस b और हमें अब निकालना a प्लस b इन टू में सी वेक्टर, तो ए प्लस बी की वैल्यू की आ गई 4i माइनस जे माइनस के इन टू में सी वेक्टर कितना है हमारा सी वेक्टर है आई प्लस 2j, ये है तो i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, जे की जे के साथ करें तो माइनस 2 और के यहां पर है नहीं यानी इसको हम 0k लिखें तो 0 की इससे करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 2 आंसर, तो इस तरह करना। नेक्स्ट देखोगे नेक्स्ट अभी फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर, एंगल बताना और एंगल क्या होता है कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ये एंगल होगा, तो देखोगे ए वेक्टर ये है आई प्लस 2j प्लस 2k और बी वेक्टर है वो है आई माइनस 2j प्लस 3k, तो हमें एंगल निकालना है, तो वो एंगल किस तरह निकालेंगे भी
ए कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी वेक्टर, ये होगा। तो ए डॉट बी, पहले ए लिखेंगे क्या होगा, आई प्लस टू जे प्लस टू के, और डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, और अपॉन में मोड ए, मोड ए का मतलब मैग्नीट्यूड हमने निकालना सीखा था पिछले एक्सरसाइज में भी, ये क्या आ जाएगा, वन प्लस फोर प्लस फोर, ए का मोड और इनटू बी का मोड करेंगे कि कितना आ जाएगा, वन प्लस फोर प्लस नाइन, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आई की आई के साथ वन, जे की जे वाले के साथ करेंगे तो माइनस फोर, इसकी से करेंगे प्लस सिक्स, अपॉन में नाइन, नाइन का थ्री, और ये कितना रूट फोर्टीन, ये कितना आ जाएगा भाई, सिक्स और सेवन, सेवन माइनस फोर थ्री अपॉन थ्री रूट फोर्टीन, ये ना ये आएगा भाई, हाँ, और थ्री से थ्री कैंसिल तो वन अपॉन रूट फोर्टीन कोस थीटा इक्वल टू, ये आ जाए एंगल क्या आ गया, कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट फोर्टीन, इस तरह का आ जाएगा। कोई यदि सही वैल्यू आया तो उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, पाई बाय फोर पाई बाय थ्री, नहीं तो आप इस तरह लिख दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लेमडा सो दैट द वेक्टर ए लेमडा इज थ्री जे प्लस टू के एंड बी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। देखो टू वेक्टर है भी, ए वेक्टर गिवन हमें क्या, लेमडा आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, और बी वेक्टर है वो क्या है, आई माइनस जे प्लस थ्री के, और ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि ए डॉट बी ये होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में 90, और कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो, तो सारा ही जीरो हो गया इस साइड का, तो इसका मतलब क्या आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस तरह, ए डॉट बी निकालेंगे तो आई की आई के साथ करेंगे तो लेमडा, जे की जे के साथ करेंगे तो माइनस थ्री, और के की के से करें तो सिक्स इक्वल टू जीरो, लेमडा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, लेमडा इक्वल टू माइनस थ्री, तो यदि परपेंडिकुलर है तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस थ्री। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इफ ए बी सी फाइंड लेमडा सो दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये गिवन है बी, ए दे रखे हमें आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, और बी वेक्टर गिवन है हमें माइनस आई प्लस टू जे प्लस के, और सी वेक्टर गिवन है अभी थ्री आई प्लस जे, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट हमें गिवन है कि ए प्लस लेमडा बी इक्वल टू सी वेक्टर के इक्वल है, ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, परपेंडिकुलर टू सी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो पहले तो हम ये निकालेंगे ए प्लस लेमडा बी, तो ए प्लस लेमडा बी यानी ए वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास भी आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, और प्लस में लेमडा, और बी है बी की वैल्यू है माइनस आई प्लस टू जे प्लस के, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई प्लस टू जे, ये सीधा ऐड कर दोगे आई, और यहां से आ जाएगा माइनस लेमडा आई, यानी वन माइनस लेमडा आई हो जाएगा, आई को कॉमन ले लिया, टू जे और प्लस टू लेमडा जे है,
तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 लेमडा जे हो जाएगा। यहाँ 3 है और यहाँ जाए लेमडा के, यानी लेमडा इंटू में के, ये हमारा वेक्टर होगा ए प्लस लेमडा बी। और ए प्लस लेमडा बी सी के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ए प्लस लेमडा बी डॉट सी इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इसके साथ सी की मल्टीप्लाई करें तो सी हमारा ये था, आई की आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई करें कि 3 माइनस 3 लेमडा, जे वाले की जे से करें कि क्या आएगा 2 प्लस में 2 लेमडा, प्लस में के यहाँ पर है नहीं तो इसका मतलब 0, 0 किससे मल्टीप्लाई करें 0, और ये सारा किसके इक्वल आना चाहिए, बी इक्वल टू 0 के इक्वल आना चाहिए। लेमडा को ऐड करेंगे कि कितना आ गया, माइनस लेमडा 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 0 और लेमडा इक्वल टू 5, ये वैल्यू आ जाएगी भी परपेंडिकुलर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अभी व्हाट विल बी द एंगल ए एंड बी इफ देयर इज ए सेट ऑफ 3 वेक्टर ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ये गिवन अभी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड मोड ए मोड ए इक्वल टू 3 मोड बी वेक्टर इक्वल टू 5 और मोड सी वेक्टर इक्वल टू 7 व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, हमें ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो हमें पता है कि cos थीटा ए डॉट बी ये होता है, लेकिन हमें रिलेशन ये गिवन है, इस रिलेशन का यूज करना है। तो देखोगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर का स्क्वेयर, स्क्वेयर खोलोगे तो ये क्या आएगा, बी ए वेक्टर का स्क्वेयर प्लस मोड बी का स्क्वेयर प्लस में 2 ए डॉट बी वेक्टर और कोस थीटा, ये मोड में आ जाएगा और इक्वल टू सी स्क्वायर, ये होगा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे भी ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है यहाँ पुट करेंगे स्क्वायर आती है हो जाएगी 9, बी स्क्वायर है बी की वैल्यू 5 आती है 25 प्लस 2 इंटू में ए मोड ए कितना 3 इंटू मोड बी है 5 कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर 49, ये कितना आ गया 9 और 25 34 माइनस जाएंगे 5 15 30 कोस थीटा इक्वल टू 49 माइनस 34 और कोस थीटा इक्वल टू ये बच जाएंगे 15 और 30 अपॉन में आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 और कोस कितने की वैल्यू 1/2 होती है भी 60 की होती है तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 या और 60 लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 3 का होगा, 60 की वैल्यू होगी वो दोनों के बीच में ए और बी के बीच में एंगल होगा ए डॉट बी, ये होगा ए डॉट बी निकालना था इनके बीच का एंगल कोस थीटा, तो ये एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी नेक्स्ट अभी इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी प्रूव दैट आइदर, या तो क्या होगा भाई आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और क्या दे रखा है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर, ये प्रूव करना है। यदि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर के इक्वल है
तो क्या होगा ये प्रूव करना कि आयतन ए इक्वल टू जीरो होगा तभी दोनों इक्वल होंगे, या बी इक्वल टू जीरो या ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। तो इससे लेके चलेंगे, देखो ए डॉट बी वेक्टर, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे कि क्या होगा ए माइनस ए डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ए को कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। दो वेक्टर की पहले बताया शुरू में ए डॉट बी जीरो दिया, तो ए जीरो गया बी जीरो गया, उनके बीच का एंगल होगा वो क्या होगा 90, तभी जीरो आंसर आएगा। तो ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, या तो ए जीरो कंप्लीट को जीरो कर देगा, या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या बी इक्वल टू सी होना चाहिए, यहां पे बी इक्वल टू सी है, यहां पे B इक्वल टू जीरो नहीं होगा, यहाँ B इक्वल टू सी वेक्टर है, या तो A इक्वल टू जीरो होगा या फिर क्या होगा B माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा तो इससे क्या आ जाएगा B वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर होगा, या फिर क्या होगा जीरो का बात है दोनों वेक्टर एंगल के दोनों के बीच का एंगल क्या हो 90, यानी A परपेंडिकुलर हो B माइनस सी वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर तब जीरो होगा। तो ये बी माइनस सी इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू सी है, ये हमें यहां से जीरो गलत लिख रखे हैं, बी इक्वल टू सी है, तो इस तरह प्रूव हो जाएगा भी। और देखो भी और क्वेश्चन भी If A is any vector in a space, so that देखो कोई A vector है, हमें प्रूव करना है अभी A vector equal to A vector into I into I plus A vector dot J into J plus A dot K into K equal to A vector आएगा, ये प्रूव करके दिखा। तो इसमें देखो भी क्या करना है, लेट ए वेक्टर मान लिया हमने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ये वेक्टर मान लिया भी ए वेक्टर है वो हमारा क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। तो सबसे पहले तो हम ए आई निकालते हैं, ए आई वेक्टर, तो ए आई का मतलब क्या होगा ए की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इन टू में आई। अब इन दो वेक्टर की प्रोडक्ट आई भी एक वेक्टर है, इनकी दोनों की प्रोडक्ट करें तो आई आई वाले की मल्टीप्लाई करेंगे और वाई और जेड के साथ, तो ये एंगल जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आई आई वाले की मल्टीप्लाई करें तो एक्स एक्स आ गया। इसी तरह से ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर निकालें तो ये तो हमारा वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इन टू में जे करेंगे, तो आई और के साथ तो जीरो हो जाएगा और जे जे के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई। इसी तरह ए डॉट के एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू में के, तो ये क्रम की हो जाएगा जेड। अब हमें तो ये निकालना है ए आई इन टू आई, देखो ए आई की वैल्यू एक्स आ गई, ये एक स्केलर आ गया। अब इसका a डॉट i into i करते हैं तो ये क्या आ जाएगा x i। इसी तरह ये करें a डॉट j into j करें तो a डॉट j की वैल्यू तो y i 3 into में j करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई y j, और इसी तरह इसकी a डॉट k करें तो ये आ जाएगी z। अब इनका देखो a i इंटू आई ए जे इंटू जे ए के इंटू के को ऐड करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा ए आई इंटू आई प्लस ए जे डॉट इंटू में जे प्लस ए डॉट के इंटू में के, ये वेक्टर है भी। इनका क्या आ जाएगा इधर क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के,
और एक्स आई वाई जे जेड की ये हमारा किसके इक्वल था, ए वेक्टर के इक्वल। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया भी, ए वेक्टर ही आ गया। और ये प्रूव करना था भी कि ये ए वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। ये हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखो भी। नेक्स्ट है भी, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो साइन थीटा बाय टू। ये देखो ए और बी है, ए डॉट बी, और इनके बीच में एंगल है वो थीटा का है। तो प्रूव क्या करना है, साइन थीटा बाय टू इक्वल टू वन बाय टू मोड ए माइनस मोड बी, ये प्रूव करना है। तो ये इक्वल करना है, तो ये देखोगे ए माइनस बी मोड, इसको हम क्या लिख सकते हैं भी, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, ए माइनस बी आ जाएगा। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं भी, देखो इसका खोलेंगे तो इसको लिखेंगे मोड ए स्क्वायर प्लस में मोड बी स्क्वायर और प्लस में माइनस में माइनस टू मोड ए मोड बी वेक्टर और कोस थीटा। यही होता है ए डॉट बी का स्क्वायर क्या होगा, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, टू ए डॉट बी यानी कोस थीटा, टू ए डॉट बी, और ए डॉट बी का क्या होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा। यही होगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि यहां दिया होगा ए डॉट बी लिखेंगे, ये ए डॉट बी लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं मोड ए मोड बी कोस थीटा, और वो ही हमने यहां पुट कर दिया मोड ए मोड बी कोस थीटा। तो ये आ जाएगा मोड ए माइनस मोड बी इक्वल टू, ये देखो, और हमें गिवन है ए और बी है वो यूनिट वेक्टर है, ए और बी यूनिट वेक्टर, इसका मतलब मोड ए का यूनिट यानी वन और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो भी वन के इक्वल है। तो ये मैग्नीट्यूड है भी इसका, तो इसका क्या लिख सकते हैं मोड ए का मैग्नीट्यूड यानी वन, तो वन का स्क्वायर वन प्लस वन माइनस टू, ये भी वन इंटू वन कोस थीटा। क्या आएगा इसके आगे, वन प्लस वन टू माइनस, ये क्या जाएगा टू कोस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं भी, टू कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा वन माइनस कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा टू, और वन माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला पता है भी, क्या आएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू और टू फोर, फोर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा टू, और साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए साइन थीटा बाय टू, और टू अपॉन में लाएंगे कि किसके इक्वल आ जाएगा, इधर क्या चल रहा था भी हमारा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू, टू को अपॉन में लाएंगे वन बाय टू ए माइनस बी इक्वल टू साइन थीटा बाय टू, और ये प्रूव करना था बीच में, तो इस तरह प्रूव हो जाएगा। तो भी इस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है तो शेयर करके पूछ लेना व्हाट्सएप पे या कॉल से भी पूछ सकते हो। थैंक यू।